साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी है 2022। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे हूँ, यहाँ पे कालपुरा एरिया में। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में इस वक्त इसमें कुछ एयर नहीं है। अगर आप क्लोज फोकस कर दें, कुछ एयर नहीं है इसमें। मैं हवा भरने आया था गाड़ी के टायर के अंदर। मैंडेटरी है, सरकार ने मैंडेटरी रखा हर किसी पेट्रोल पंप पे एयर की जो फैसिलिटी होनी चाहिए हवा भरने के लिए। बट जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा तीसरा आज टाइम है, कहाँ पे जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे, यहाँ कभी भी ये जो हवा नहीं चाहिए यहाँ पे भरते हैं ये लोग। कभी बोलते हैं खराब हो गया, कहीं बोलते बंधा नहीं है, कहीं बोलते कुछ है। इस वीडियो के जरिए से पहले तो मैं जो है इंडियन ऑयल के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा पहले कि इसका वो सीरियस कॉग्निजेंस ले। अगर इस क्योंकि अगर जो कोई भी पेट्रोल पंप है वहां पे मैंडेटरी उनके लिए लाजमी मलजूम है कि उनका जो एक बंदा होना चाहिए वहां पे हवा भरने के लिए। पर अफसोस की बात है कि इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे, अरफात पेट्रोल पंप है इसका नाम, यहाँ पे कभी भी कालपुरा में है, कालपुरा चाडरा में मेन हाईवे पे मेन रोड पे, बट यहाँ पे कभी भी आपको जो है कभी कभार आपको मिलता है न कोई बंदा आता है आगे, कम से कम कुछ बोलते भाई खराब है कुछ है। यहाँ इंसान खड़ा होता है जानवर की तरह, कोई पूछने वाला नहीं होता है। मैं SDM साहब से भी गुजारिश करूंगा, उसके अलावा जो इंडियन ऑयल के जिम्मेदारान है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इसका सीरियस कॉग्निजेंस ले। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।